बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आज का टॉपिक करंट एजुकेशन सिस्टम के मसाइल और उनका हल तीन एक साथ में अपनी ये सीरीज है वी आर गोइंग टू ट्राई एंड कीप इट शॉर्ट वेरी एक्यूट सेशन होने फ्रॉम पर्सपेक्टिव ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी नफसियात किस तरीके से नफसियाती तौर पर हम मरीज बना रहे हैं अपने बच्चों को मेक श्योर यू अंडरस्टैंड आपके सवाल इसी तरफ डायरेक्टेड हूं किस किसी और दिन अपना कोई और जो सवाल आपने रखा हुआ है किसी और दिन जरूर पूछेगा आज के टॉपिक के मुताबिक ही सवालगा कीजिएगा ठीक है so तो अभी तो एक जनरल परस्पेक्टिव में आपको बता दूँ कि ये कहानी जो है ना ये शुरू कैसे हुई जो सवाल आपने रखा हुआ है किसी और दिन जरूर पूछेगा आज के टॉपिक के मुताबिक ही सवालगात कीजिएगा ठीक है तो अभी तो एक जनरल परस्पेक्टिव में आपको बता दूँ कि ये कहानी जो है ना ये शुरू कैसे हुई और इसके पीछे जो भी मौजिब थे जो भी डर गिली मैर कि क्यों ईजाद हुई थी मगर ये कुछ सौ साल पहले का वाक्य है रिसर्च करें आपको पता चलेगा कि इतनी कोई रिसेंट इन्वेंशन है कि दुनिया में जो सबसे नई नई इजादात में से ये एक इजाद ये भी है जिसको हमने समझ लिया कि शायद ये आदमी से चली आ रही है ये पूरी की पूरी ट्रेडिशनल टेक्निक ऑफ टीचिंग ये किसी भी तरीके से आ, ये सच नहीं है ये एक रिएक्टिव अप्रोच थी इंडस्ट्रियल इंडुस्ट्र, इंडस्ट्रियलाइजेशन एज अपने जॉबन पे थी उनको मजदूरों की जरूरत पड़ रही थी मजदूर थे नहीं लेबर फोर्स कम हो गई थी तो उन्होंने अपनी इंडस्ट्रीज को जल्दी लेबर पहुंचाने के लिए इमरजेंसी का एक कदम उठाया था कि जल्दी से इमरजेंसी नाफिज करो जितने भी जल्दी हमें अपने जो लेबर फोर्स है वो प्रोवाइड हो जाए तो उसके लिए जितनी जल्दी आप किसी को आप इतना तैयार कर लो कि बस वो हमारे काम कर सके जाए क्लिनिकल स्टाफ हो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ हो ऑपरेशनल स्टाफ हो फंक्शनल स्टाफ हो जो भी काम है उनके लिए जल्दी जल्दी वर्क फोर्स तैयार की जाए उसके लिए उन्होंने एक डब्बे में बच्चे इकट्ठे करने शुरू किए कि जल्दी जल्दी इनको तैयारी कराई जाए दैट्स हाउ द हाउन एजुकेशन सिस्टम स्टार्ट बिकॉज ऑफ एक खास सेक्टर था एक इंडस्ट्री को जरूरी थी मजदूर चाहिए थे मजदूर तैयार करने की मशीन थी और हमने इसको दीन भी इसमें से गुजारने अब इसमें दुनिया भी इसमें से गुजारनी है अपने तमाम अरमान भी इसी में से पूरे करने अपना स्टेटस को का एक ठकौसला भी इसी में से पूरा करना है और एक दूसरे से कॉम्पिटिशन कम्पिट, भी इसी के थ्रू करना है सो इसको चैलेंज करना इसलिए इतना जरूरी है कि जो चीज हमारे लिए बनी नहीं जिस काम के लिए बनी थी उस काम के लिए अभी भी आ, हो, कर रही है वो तो तैयारी अच्छी है उनकी और आप देख रहे होंगे कि उसका अभी तक फल ये दे रहा है दरख्त क्योंकि अभी भी स्कूल का बच्चा जितना मर्जी जित, जो मर्जी दिमाग लेके आता है एंड में वो नौकरी बनाया जा रहा होता है कि उसको जॉब कब करनी है तो जितनी जल्दी तैयारी जितने नंबर अच्छे आएंगे तो वो इस फील्ड में जाएगा बुरे आएंगे तो फला फील्ड में चला जाएगा और इंसान की जिसम और रूह दोनों तार तार करके रखते थे हम ये सेशन मेरी कोशिश होगी कि मैं सॉरी उर्दू में ज्यादा करूं करना मुझे इंग्लिश में चाहिए सो so, कुछ एक साथ इसी अंग्रेजी में कर देंगे से समझ लें कि ये क्यों क्यों मैं हा एक्चुअली मैं चैट पे ना वोट ले लेता हूँ कि ये अंग्रेजी में करें या उर्दू में करें आप चैट में उर्दू या इंग्लिश ज़्यादा लिखते हैं पहले सौ वोट्स के अंदर हम सौ का था आपने आपने एक हजार वोट एकदम स्पीड से कैसे लिखते हैं भाई ये ये एक आ, ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि दुनिया में शायद सिर्फ पाकिस्तान में ओके बस ठीक है ठीक है मैं समझ आ गया उर्दू में करते हैं उर्दू में oh <laughs> मैं मैं कोशिश करता हूं कि अंग्रेजी के जितने भी जिनको बिल्कु उर्दू बिल्कुल बिल्कु समझ नहीं आती उनको इतनी समझ आ जाए कि मैं क्या कह रहा हूं ओके बहरहाल सो कहानी क्या है कहानी ये है कि एक इंसानी जो दिमाग है ना वो एक खास सिस्टम के ऊपर एक अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बनाया हुआ है जिसके ऊपर ये जिस्म जो है ना परवान चढ़ता है वो एक निज़ाम है दो तीन अलग अलग साइंसेस अपने सब्जेक्ट्स पूरी तरीके से हमें एक्सरे करके बता चुकी हैं कि बायोलॉजी के अंदर कि किस तरीके से दिमाग अपनी नशो कर रहा होता है कौन सी स्टेज से गुजर रहा होता है और इंडोक्रोली के अंदर भी हमें पता चल गया कि किस तरीके से हमारी केमिस्ट्री वजूद में आ रही होती है बेसिक साइंस दें अभी कि आप मुसलमान है नहीं मकसद है कि नहीं